वेलकम टू टेकमाइंड कंप्यूटर्स। मैंगो सीएम में कोई भी कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको ओपन करेंगे। मैंगो सीएम को ओपन करने के बाद जो अब तीन ऑप्शन आता है उसमें से हम लोग सबसे फर्स्ट ऑप्शन न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रीमेड कैरेक्टर्स मिलेंगे, पहले से ही बने हुए कैरेक्टर्स हैं, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक के लिए अब हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और एडिट फ्रंट साइड करके जो ऑप्शन आता है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। और जब आपको एडिट करते हो कोई कैरेक्टर को तो आपका एक नया विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ से हम लोग अपर बॉडी का इसको अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं कैरेक्टर को। इसके अलावा आप बॉडी को कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट पाम, राइट आर्म, ये सारे चीज़ आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा लोअर बॉडी को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कैरेक्टर के। हेड को जैसे मैं यहाँ पे अभी कस्टमाइज़ करता हूँ, वो भी कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई किसी पे भी मैं क्लिक करूँगा वो पार्टिकुलर लोअर बॉडी ये आपके कैरेक्टर में फिट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ग्लासेज है, मैं एक ग्लासेज आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे ये ग्लासेज लिया और अब ये दूसरा वाला लेता हूँ, ये देखिए, और ये तीसरा वाला ग्लास लेता हूँ। तो ये आपका गॉगल स्टिक लग रहा है और ये इसके ड्रेस पे भी मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग अभी फाइनल करेंगे। उसके अलावा आप इसको हैट वगैरह भी दे सकते हो कैरेक्टर को, इसमें आपको ये सब सारे हैट्स वगैरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम लोग। कैरेक्टर को कस्टमाइज करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक्सप्रेशन का भी हम लोग कैरेक्टर को एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। जैसे अभी अपना कैरेक्टर हैप्पी मूड में है, आप इसको कुछ ज़्यादा ही मैं हैप्पी मूड में करा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अभी आपका कैरेक्टर रेडी हो गया, आपने कस्टमाइज कर लिया है। अब उसको हम लोग एनिमेशन करेंगे। तो जब फाइनल आप करते हो तो एनिमेशन वाला पार्ट अभी ओपन होगा। ये आपका कैरेक्टर फुल रेडी है, ये आपका टाइमलाइन है, विंडो है। यहाँ से एडिट से जाके मैं ये बोन्स वगैरह का जो स्ट्रक्चर है वो हटा देता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। कैरेक्टर आपका बना बनाया हुआ है, आपको साइड में आपको मोशंस मिलेंगे। जैसे हम लोग मैंगो एनिमेट में किसी कैरेक्टर को रोल देते थे, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मोशंस बने हुए हैं। और यहाँ से हम लोग जैसे ये सिटिंग का मोशन है, ये आईपैड लेके कर रहा है, बात कर रहा है, ये सारे आपको सारे मोशंस आपको जो दिख रहे हैं वो फ्रंट साइड के हैं। तो अपना कैरेक्टर भी फ्रंट साइड में है तो सारे मोशन इस पर अभी अप्लाई हो सकते हैं। अभी जैसे मैं ये वीटी करके एक पार्टिकुलर मोशन है इसको अप्लाई करता हूँ, इसको ड्रैग करना है और टाइमलाइन पे ले जाके एडजस्ट कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा आगे आ गया है, तभी मैं इसको पीछे करूँगा टाइमलाइन पे। इसको ड्रैग कर देते हैं और जहाँ से आपको एनिमेशन देना है फ्रेम पे, वो फ्रेम पे आप ले जाके इसको फिक्स कर सकते हो। भी अभी स्टार्टिंग से मैंने डाल दिया ये कैरेक्टर अपना एनिमेट कर रहा है, एनिमेट हो रहा है। और अभी मैं इसको दूसरा डालता हूँ थोड़ा ताकि लेंदी बने। और लेंदी मैंने मीन्स अभी हम लोग दो तीन इसको और मोशन देंगे और उसके बाद इसको हम लोग सेव करेंगे या पब्लिश करेंगे। और उसके बाद हम लोग उसको मैंगो एम में ले जाएंगे, एनिमेशन मेकर में ले जाएंगे और उसको यूज करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से आप अपने मोशंस देख सकते हो और आपका जैसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप कैरेक्टर बना रहे हो उस तरह से आप इसको एनिमेट कर सकते हो, एनिमेट करके और इसको हम लोग सेव कर लेंगे और बाद में उसको मैंगो एनिमेट में ले जाके अपना एनिमेशन करेंगे। तो ये देखिए मैंने अभी वॉकिंग का भी डाल दिया है कैरेक्टर को, थोड़ा एक दो और मोशन अप्लाई करता हूँ। इस तरह से आपको अपना देखना है और जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप अपने कैरेक्टर से करवाना चाहते हो, एनिमेट कराना चाहते हो, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मोशंस लेके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये आपका कैरेक्टर मूव भी हो रहा है, टॉक भी कर रहा है। अब ये टॉकिंग का ऑप्शन है स्पेशल, जहाँ से वो कैरेक्टर केवल टॉक करेगा। बस ये मोशन को आपको सिलेक्ट करना है और ड्रैग करके टाइमलाइन पे एडजस्ट कर लेना है जहाँ पे आपको चाहिए। टॉक पॉइंटिंग करके एक नया मोशन है जिसको मैंने अपने टाइमलाइन पे डाला है। ये देखिए वो अपने फिंगर्स को किसी तरह पॉइंट करके टॉक करेगी। इस तरह से हम लोग डिफरेंट मोशन देंगे कैरेक्टर को और उसको एडजस्ट कर लेंगे जैसे अपने को चाहिए उस हिसाब से। और अगर कैरेक्टर को आपको एक्सप्रेशन वगैरह देना है तो जैसे आप देख रहे हो बगल में एक्सप्रेशन का भी टैब दिया हुआ है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करके कैरेक्टर का एक्सप्रेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर को आपको सिट कराना है तो वहाँ पर बैठा भी सकते हो। और जैसा कि आपको मैंगो एम में बहुत सारे रोल्स थे जो हम लोग कैरेक्टर से नहीं करा सकते थे और उसको हम लोग मैंगो सीएम में ले जाके एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम अपना एनिमेशन कंप्लीट तैयार हो सकता है। ये लास्ट एक इसको दे देता हूँ गिव ए प्रेजेंट। ये देखिए यहाँ पे जब मैंने दिया तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसके हेयर स्टाइल चेंज हो गए, तो वो अपने को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो दूसरा हो गया। तो मैं उसको डिलीट करके यहाँ पे दूसरा एडजस्ट करूँगा। इसी तरह आपको एडजस्टमेंट करते रहना है, जितना ज़्यादा आप एडजस्टमेंट करोगे उतना क्लियर, उतना रियल आपका एनिमेशन बनेगा। आपको छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है। यहाँ पे यहाँ से मैं किक करके ऑप्शन है वो भी ले लेता हूँ। ये देखिए ये लड़की किक कर रही है। अभी मेरा जो भी मेरा कैरेक्टर था उसका एनिमेशन बन गया है। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको अब हम लोग जब आपका कंप्लीट हो जाए आपका कैरेक्टर एनिमेशन तैयार हो जाए
तो उसके बाद हम लोग इसको पब्लिश का ऑप्शन है वहाँ पे पब्लिश करते हैं। जब आप पब्लिश करोगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेट बोलेगा, आपको MP4 में कन्वर्ट करना है तो उसमें कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट मूवी में कन्वर्ट कर सकते हो, PNG में कन्वर्ट कर सकते हो, GIF में कन्वर्ट कर सकते हो। और फॉर्मेट है आपको कौन से 4K में चाहिए, 2K में चाहिए, 720 पिक्सल में चाहिए, उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट करके पब्लिश कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको पार्टिकुलर एरिया में सेव करना है, जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाता हूँ, CMCM करके इसका नाम दे देता हूँ और पब्लिश करता हूँ। अभी मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जो ये बना हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट वीडियो है, इसको हम लोग चूँकि ये लंबा वीडियो हो चुका हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे ये कैरेक्टर को हम लोग मैंगो एनिमेट में ले जाएंगे और वहाँ पे हम लोग एनिमेशन करेंगे और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे और फाइनल में आपको एनिमेशन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपलोड करूँगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग टेक माइंड कंप्यूटर्स।